और आपका नंबर जो फोन पे से लिंक है उस नंबर की, ठीक है ना, इतनी चीज जरूरत पड़ेगी। और फोन पे की आपकी यूपीआई आईडी, यदि आपको नहीं पता कहां पर होती है कैसे निकालते, तो मैं अभी आपको निकाल कर भी दिखा दूंगा। इतना चीज आपको लिख कर रख लेना है, फिर मैं क्या करना है वो स्टेप बताने वाला हूं। दोस्त आपको बता दें कि फोन में आज इस वीडियो में दो ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप यदि आप फॉलो करते हैं तो 100% वर्किंग है दोनों तरीके, चाहे किसी भी तरीके को आप अप्लाई कर दीजिए 100% वर्किंग है। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि कैसे पैसे वापस लाना। तो पहले आप इतना चीज लिख लीजिए जितना बताया मैं, और दोस्त यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि यूपीआई आईडी कैसे निकालते हैं फोन पे से अपनी, ठीक है। यहां पर कांटेक्ट फोन पे सपोर्ट टीम है, बट यहां से कोई हेल्प नहीं मिलता, कस्टमर केयर में बात कर लो कोई हेल्प ज्यादा नहीं मिलता, पैसा वापस आपका नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मैं इनसे हटकर दो ऐसे तरीके बताने वाला हूं। तो यहां पर आप बस क्लिक कर दीजिए और बैक हो जाइए, यहां पर अपने प्रोफाइल में आ जाइए। तो दोस्त यहां पर आप प्रोफाइल में जैसे आप आ जाएंगे, देख सकते हैं प्रोफाइल में यहां पर आपकी यहां पर यूपीआई आईडी मिल जाती है, देख सकते हैं यहां पर यूपीआई आईडी होती है, ठीक है। तो अपनी यूपीआई आईडी को लिख लेना, जितनी चीज़ें बताया हूं इतना लिख लीजिए। अब चलिए होम पे आ जाइए, ठीक है। अब होम पर आ जाएंगे और कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, गूगल खोल लीजिए, इंटरनेट खोल लीजिए, कुछ भी आप खोल सकते हैं, जैसे मैं इंटरनेट ही खोल लेता हूँ, क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, गूगल डायरेक्ट खोल लीजिए, मतलब हमें खोलना गूगल ही है फाइनली, ठीक है। तो दोस्त यहां पर हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने गूगल को ओपन कर लिया है, अब जो टाइप करूँगा बस आपको वही टाइप कर देना है। अब दोस्त ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, यहाँ पर यूपीआई वर्क करता है, यूपीआई के माध्यम से ही आपका ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको क्या टाइप करना है, यूपीआई कंप्लेंट, ठीक है। यूपीआई कंप्लेंट देख सकते हैं, मैंने पहले भी ये काम कर चुका है, मेरा पैसा फंस गया था, प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए मैंने ये काम किया, इसलिए मैं आपको सोचा वीडियो बना के बता देते हैं। यूपीआई कंप्लेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये पहले नंबर की वेबसाइट मिल जाएगी, इसी पर क्लिक करना, ठीक है ना, और कहीं पर नहीं जाना, इसी पर आप क्लिक कर देंगे। पहला है दूसरा तरीका और इससे भी ज्यादा कारगर है, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्त यहां पर देख सकते हैं आप इस तरह से पोर्टल में आ जाएंगे। अब देख सकते हैं यहां पे प्लस का साइन मिलता है, प्लस के साइन पे ही आप क्लिक करेंगे। मैंने जो चीज़ें बताई हैं लिख के रखने के लिए, यदि आप लिख कर रखेंगे तो 100% आप फॉर्म अच्छे से भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है अब आपको। आपको यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। प्लस साइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना, कंप्लेन के ऑप्शन में आ जाना, हमें कंप्लेन करना, अपना कंप्लेन दर्ज कराना है, ठीक है। तो दोस्त ये 100% गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको 100% हेल्प मिलता ही मिलता है। तो प्लस साइन पर आप क्लिक करिए, आप देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अब जो जो चीज़ बता रहा हूँ बस क्लिक करते जाइए, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं पर्सन टू पर्सन, यदि आपने किसी पर्सन के अकाउंट में भेजा है अपने, तो आप पर्सन टू पर्सन करेंगे। यदि आपने किसी मतलब पर्सन को भेजा है, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं सेंड किया है, तो आप पर्सन टू पर्सन पर ही क्लिक करेंगे और डन कर देंगे, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर इशू पे आप यहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक करिए, इशू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और डन पर क्लिक कर देंगे इनकरेक्टली ट्रांसफ़र में, ठीक है। कमेंट में लिखेंगे कि रिस्पेक्टेड सर, अब जो बता रहा हूँ यहाँ पर वही चीज़ आपको भी टाइप कर देना, ठीक है, मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टाइप किया रिस्पेक्टेड सर, मैंने फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं जो कि गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, प्लीज़ हेल्प मी फॉर रिफंड मनी, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आई एम फोन पे यूज़र, ठीक है, यहाँ पे और भी डाल सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर आई एम फोन पे यूज़र, मैंने फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, इतना और बना के डाल सकते हैं। और नीचे आप अमाउंट नेम भी डाल सकते हैं, कितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र गलत कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ये पहले ये ऑलरेडी सब कुछ ट्रैक कर लेगा जब आप ये सारी डिटेल डाल देंगे, तो ठीक है। तो ट्रांजेक्शन आईडी, अब जैसे मैंने आपको बोला था ट्रांजेक्शन आईडी लिख कर रख लीजिए, तो अब यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, देख सकते हैं अपना बैंक का नाम और यहाँ पर यूपीआई आईडी वीपीए जो लिख के आ रहा, तो अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी आपकी यूपीआई आईडी की भी बात हो रही है, तो यहाँ पर डालना पड़ेगा। कितना अमाउंट आपसे गया है गलत ट्रांसफ़र हुआ वो डालना पड़ेगा। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे कि मैंने दिखाया तो वहाँ सारी डिटेल आपको लिखना था, ठीक है, फिर मैं सब कुछ डाल कर दिखा रहा हूँ। फिर आपको एक ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और आपने फोन पे में जो मोबाइल नंबर लिंक कर रखा है तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। और बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं, अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर अटैच करना होगा। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे इस तरह से और आपको फाइल मैनेजर में सेंड कर दिया जाएगा, यहाँ पर फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर में आने के बाद आप डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही अपना बैंक स्टेटमेंट जो है दोस्त यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, ये बैंक स्टेटमेंट है हमारा। तो दोस्त यहाँ से आप जो है बैंक स्टेटमेंट अपना डाउनलोड करके रख लीजिए और डन पर क्लिक कर दीजिए। अब बैंक स्टेटमेंट यदि आपको नहीं पता है कैसे डाउनलोड करना है, तो वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, देख लीजिएगा कि किसी भी बैंक का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। मिनी स्टेटमेंट मतलब कि मिनिमम आपका उसमें 100-200-40-50 ट्रांजेक्शन आपका उसमें होना चाहिए। तो दोस्त मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों आपको 100% मिल जाएगा। कैसे करना मैंने सब कुछ बताया है। अब सबमिट पर यहाँ पर सब कुछ होने के बाद, जैसे कि यहाँ पर सब कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये प्रोसीड हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। अगर प्रोसेस यदि आपने सही डिटेल सब कुछ डाला है यहाँ पे, तो 100% आपके अकाउंट में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। क्या क्या करना देख सकते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, पर्सन टू पर्सन, इशू, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, यहाँ पे क्या भरना है कमेंट में वो चीज़ मैंने बता दिया है। ट्रांजेक्शन आईडी आपको वहीं से ले लेना है। कहाँ से लेना है चलिए दिखा देते हैं एक बार आपको फिर से। तो फोन पे ओपन करेंगे और हिस्ट्री के ऑप्शन में आ जाएंगे। हिस्ट्री के ऑप्शन आने के बाद आपसे जहाँ पर भी गलत ट्रांसफ़र हुआ है जितना अमाउंट उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आ जाएंगे। देख सकते हैं ट्रांजेक्शन आई डी, यू टी आर नंबर, आपका अकाउंट नंबर, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर क्या लिंक है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यू पी आई आई डी कैसे निकालना वो चीज़ मैंने बता ही दिया है। तो इतना चीज़ आपको लिख लेना है क्योंकि यही चीज़ भरना है वहाँ पर। तो इतना आप जैसे कर लेते हैं तो चलिए फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे। और आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर VPA अपना UPI ID डालिए, बैंक का नाम अपने बैंक का नाम डालिए, ट्रांजेक्शन ID अपने बैंक का नाम, ठीक है, और यहाँ पर VPA अमाउंट और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ईमेल ID अपनी ईमेल ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वहीं फाइल चूज़ कर दीजिए स्टेटमेंट की, बस सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, ये काम यहाँ से हो जाएगा। ये तो रहा दोस्तों पहला तरीका जिसके थ्रू आपका 100% वर्क करेगा। दोस्तों ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं दोबारा ये काम नहीं कर सकता, नहीं तो फिर हमारा अगर सच में हमें प्रॉब्लम दोबारा हो गई ना तो हम जो है अपना जो वापस नहीं ला पाएंगे, हमारा कोई हेल्प नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ये सोचेगा कि इसका काम बस ये ऐसे फालतू काम करता रहता है। अगर रियल में आपको प्रॉब्लम है तभी ये करिएगा। और जैसे ही आपका पैसा कटता है यानी गलत अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया है तो ये काम करना होता है विद इन आपको 1 से 2 घंटे के अंदर, यानी कि आप 4-5 घंटे भी हो गए हैं तो अभी आप करेंगे तो वापस आने की संभावना है, लेकिन आपको तुरंत एक्शन लेना होता है, ये काम करना होता है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्त, दूसरा तरीका अब क्या है कि अब देखिए यहाँ पे फोन पे सपोर्ट टीम से बात करेंगे तो पैसा वापस नहीं आने वाला, कस्टमर केयर से बात करेंगे कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली, पैसा वापस तो नहीं आएगा, बाकी वो आपको कुछ भी बताते रहे कहाँ पे क्या करना है। बाकी आपको बता दें कि आप इनसे यहाँ संपर्क करेंगे, कस्टमर केयर से बात करेंगे तो बस ये आपको यही बोलते हैं कि आप अपने ब्रांच में चले जाइए, यानी कि आपका जैसे SBI में है बैंक खाता तो दोस्त आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में, अपने जहाँ लोकेशन में हैं आप, लोकल जहाँ पर लोकल ब्रांच है उस बैंक की, तो उस पर चले जाइए। जैसे कि आपका गाँव में है तो गाँव में जो आपका वही बैंक अगर खुला है तो वहाँ पर चले जाइए, या फिर शहर में है तो शहर में अपने ब्रांच में चले जाइए SBI के, तो वहाँ पर आपको जाने बोलेंगे और आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और ये सारी डिटेल डालनी होगी रिस्पेक्टेड सर, जैसे मैंने वहाँ पे बोला, और ये सारी डिटेल डालकर नीचे आपको जो है बैंक मैनेजर के पास जाकर सबमिट करना होगा, तो वहाँ से ही आपको हेल्प मिलेगी। और दोस्तों वहाँ पर बैंक मैनेजर क्या करता है कि उस जिसके अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है तो उसके अकाउंट से पैसा जो है रिफंड कर देता है, वहाँ से काट कर आपके इस पर रिफंड डाल देगा। 100% आपका हेल्प मिलेगा अगर आपने गलत ट्रांसफ़र किया है। अगर नहीं मिलता है दोस्तों, RBI की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो दोस्त आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। दोस्तों यदि आप फोन पे के सपोर्ट टीम से बात करेंगे या कस्टमर केयर से बात करेंगे तो आपको यही बताया जाएगा जो मैंने बताया, और ये भी तरीका कारगर तरीका है। आप बैंक में जाकर अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाकर आप जो है ये सारा फॉर्म बनाकर अपना एक जो है एप्लीकेशन लिखकर ये सारा डिटेल भर के कितना ट्रांसफ़र गलत हुआ है, किस अकाउंट में हुआ है, किस अकाउंट से हुआ है, जैसे कि आपका अकाउंट है और इस अकाउंट में हुआ है, तो ये डिटेल सारी भर कर एक एप्लीकेशन बनाकर आप चले जाएंगे बैंक मैनेजर के पास और वो आपको हेल्प 100% करेंगे, क्योंकि यहाँ से और कोई तरह की आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है। ऑनलाइन आपको ऑफलाइन जाकर ही हेल्प लेना पड़ेगा, अपने नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा जहां पर भी आपका जिस भी बैंक में आपका खाता है और आपके नियरेस्ट लोकेशन में जो ब्रांच है उस बैंक की, तो उसी में आपको जाना होगा। जैसे आप शहर में हैं तो शहर में ही आपके अपने बैंक में जाना होगा, जैसे SBI में, HDFC में, जहां पर भी है तो आप चले जाइए और वहां पर मैनेजर से बात करिए डायरेक्ट, तभी आपकी हेल्प मिल पाएगी। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिला होगा। हेल्प मिलता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।